आसम साहब ज़्यादा पैसे का कम नहीं है, मैं अपनी एक महीने की तनखा तो कम शुरू किया, मैं अपनी एक महीने की तनखा सामी और मैं थोड़ा 200 चूज़ा पाया, वो ही मेरा शौक वध्या जो मेरे पैसे डबल होए, तो मैं फिर ज़्यादा मजीद शौक पाया कि यार ये तो कम ही बड़ा बेहतरीन है, कि कम मेहनत भी थोड़ी है तो पैसे भी ज़्यादा हैं, जिन्ना मैं अपनी महीने की तनखा का कम करना हूँ उन्हें मैंने अदरू मिल जाते हैं, उन्हीं तनखा के पैसे ना ही थोड़े पैसे ना ही सारे काम शुरू हो सकता है, ज़्यादा जरूरी नहीं कि उन्होंने ज़्यादा पैसे ये लाया जाए तो फिर ही बचत है, अगर तुम थोड़े पैसे ना करते हो तो थोड़े पैसे इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करता तो ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। वो कम ऐसा अगर जो मुंडे वेले ने लड़के कम कोई नहीं करते सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं और सिर्फ अपना मोबाइल ही सेल करके चूज़ा पा लेना तो वो महीने दो महीने बाद डबल त्रिपल मोबाइल ला सकते हैं, अभी ये कम है वेले आया कि मोबाइल यूज़ करने वालों तुम चूज़ा पा लो तो थोड़े वास्ते बेहतर है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुना ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान अपना मुख्तसर तारफ कराइएगा। जी जनाब मेरा तारफ लोकेशन सियालकोट है तो अस्टालाब का मेरा काम है तो तकरीबन साल तो मैं स्टार्ट किया था। माशाल्लाह सही है। साल का तजुर्बा थोड़ा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह नवे बंदे सा पहले थे तो पहले एक दो फ्लॉप विच लॉस होया दो नंबर ही साढ़े नाल, लेकिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पहचान पूरी है, हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ ठीक है। अच्छा शमस भाई ये दसो कि स्टार्ट तू नवे बंदे हो तुम तो थोड़ा तुम कह रहे हो कि दो नंबर ही हुई, किस सूरत दो नंबर ही हुई थोड़ी? जनाब चूज़ा तो पहले दिन तुम लिया तो है तो ब्लैक सी तो एक माह तो बाद जाहिर होया कि गोल्डन मिश्री की शक्ल तैयार कर गया तो नवे बंदे सा नहीं सी पता तो बड़ा शौक भी सी अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम करना सर फैक्ट्री तो लड़कियां देख के तो मैं बड़ा शौक पैदा होया इंशाल्लाह देख के तो मैं इस तरह एक ब्रोकर के थ्रू ना चूज़ा ले लिया तो चूज़ा एक दिन तो है तो ब्लैक सी है लेकिन जो एक माह का होया ना तो मैं क्रॉस नज़र आने लग पाया ब्राउन तो वाल कड आया खंभ अपने तो मैं थोड़ा लॉस भी होया लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हारी इसलिए कि मैं शौक भी सी दूसरा काम बहुत मैं मज़ेदार लगा है तो बाद मैं कोई नहीं बर्दाश्त किया तो फिर एक भाई साहब मेरे दोस्त वो मैंने नज़र आए उन्होंने मैंने दसिया कि मेरे को प्योर चीज़ है मैं उसकी गरंटी देंगा तो बाद जो मैं प्योर पाया चूज़ा तो फिर मैं इंशाल्लाह काम का मज़ा भी आया तो मैंने इंशाल्लाह अल्लाह के फजल ना बचत भी हुई। ठीक हो गया। अच्छा शमस भाई ये दसो कि मुर्गियाँ पालना लोगों के नज़रिए मुताबिक एक मुश्किल काम है, तुहानू तजर्बा नहीं तुम फैक्ट्री भी जाते हो फिर भी मुर्गियाँ पालना या चूजे पालना वन डे तो लैके हूँ तक तैयार करना कोई मुश्किल भी आदि ने या आसान काम है? नहीं मुश्किल तो आसम साहब आदि ने वो ऐसा नहीं कि नहीं आदि नवे बंदे वास्ते आदि ने मैं जो पहले दिन तू पाया तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पी इन्हें तो मैं अपने आप ने फील किया कि बहुत मुश्किल है छड़ दिना लेकिन दूसरा जो मैं क्रॉस चूज़ा मिलया फिर मेरी होर हिम्मत हारी लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी इसलिए कि मैं जॉब करने वाला बंदा सा मैं सुबह देखना सा इन्हों तो शामी आकर देखना सा तो मैं थोड़ा मुश्किल तो नज़र आया स्टार्ट तो लेकिन जो मैं तरीका तो समझ आ गया तो फिर मेरे वास्ते किसी किस्म की मुश्किल नहीं है बहुत ईजी मैं लगा कि सुबह मैं दाना पानी पाँदा सा इनकी केयर करना सा तो शाम को आना हाँ तो इंशाल्लाह तंदुरुस्त चूज़ा रहा कोई ये मैं परेशानी बाद च नहीं आई लेकिन जो मैं नवा बंदा सा स्टार्ट तो मैं बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पाया। अच्छा नवे बंदे वास्ते की मशवरा दोगे कि नवे बंदे जड़े चूज़ा किस तरह के बंदे को खरीदन? भाजी नवे बंदे वास्ते यही है कि उन्होंने पहचान तो है कोई नहीं है, कोई भी बंदा चूज़ा खरीदता है वह जाहरी गल है किसी के भरोसे से खरीदता है तो जल्द उन्होंने दो नंबर ही होंगी नज़र आए तो उन्होंने नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसे बंद को चूज़ा खरीदो कि जिन्हें अपना ब्रीडर तैयार किया सब तो पहले पहचान तक पहले वह ब्रीडर चेक करे जिसे माई बाप का पता चले फिर वो चूज़ा खरीदे तो वह लॉस नहीं होएगा प्योर गरंटी होएगी। जोड़ा बंदा है तो चूज़ा खरीदा इस तरह लॉस के 30,000 अंडा लगा या 10,000 अंडा लगा वो कभी तौर पर चूज़ा ना खरीदो, यानी कि दो नंबर ही होंगी नहीं बंदा अपने आप नापे करवा। हाँ जी हाँ जी ठीक है। अच्छा शमस भाई ये दसो कि वन डे तो लैके चूज़ा तुम तैयार करते पे हो तो इस टाइम थोड़े कोई सेल वास्ते चूज़े मौजूद ने? हाँ जनाब साढ़े को इस टाइम 15 दिन का चूज़ा भी है वो गरंटी है तो साढ़े को 2 माह का चूज़ा भी है सेल करने वास्ते, उन्होंने पहले दिन तो मेहनत करनी पैंती है कि उन्होंने कम अज कम 15 से 20 दिन जड़ा ना वो बिल्कुल ही केयर करनी पैंती है लेकिन जिस स्टेज का हूँ साढ़े को 400 चूज़ा पियाद है अभी हूँ कोई केयर नहीं है सुबह शाम सिर्फ उन्हें दाने पाना है तो साढ़े को इस टाइम 400 चूज़ा 2 माह का जे तो कम अज कम 1,000 चूज़ा साढ़े को 15 डे का भी है। ठीक है, यानी कि अगर कोई बंदा तो खरीदना चाहता है तो फुल गरंटी वरंटी नाल दो? जी जी जनाब हूँ पहले जो नवे बंदे सन उदू तो किसी की गरंटी देनी सी लेकिन हूँ असी 8 माह तक भी गरंटी दे सकते अगर 8 माह तक चूज़ा 2 नंबर निकलता तो अं फीड का खर्चा वो पेमेंट जो भी है वापस देने तैयार। ठीक हो गया। अच्छा शमस भाई ये दसो कि इस टाइम थोड़े को जो चूज़ा देखने पर माशाल्लाह 2 मंथ का दस? हाँ जी 2 मंथ का।
अगर कोई बंदा है तो खरीदना चाहता है तो तरीका कार की है, कार्गो भी करोगे या वो खुद आके ले तो ठीक है? जनाब कार्गो का मसला तो कोई नहीं, कार्गो भी कर सकते हैं, लेकिन जिस बंदे ने पैसे देने ने चीज़ लेनी है वह बेहतर है को आने के देखे चेक करे तो फिर वो चूज़ा ले, उसकी भी गरंटी हो जाए तो असें भी उन्होंने देना मजा आए। अगर उन्होंने कार्गो करा देने साढ़े वास्ते कोई मसला नहीं, लेकिन ले जाने में रस्ते में कोई मामला पेश आता है तो सर वे वास्ते परेशानी। यानी कि तुम बेहतर यही मशवरा देंगे हो कि आ गया इतों ले जाए? हाँ जी ठीक है। अच्छा सर तुम उत्थे जॉब भी कर रहे हो फैक्ट्री के विच, तो क्या वो बंद कोई बंदा जिहड़ा कि जॉब करता है वो मुर्गियां नाल पाल सकता है? बिल्कुल सर, बहुत ईजी आसम साहब है कि अगर तुम पार्ट टाइम जॉब करते पे हो तो तुम्हें दूसरा काम करने का शौक है या तो आमदनी चाहते हो तुम तो बहुत बेहतरीन काम है, बहुत आसान है कि अगर तुम एक जॉब करते हो तो दूसरा काम करना चाहते हो तो सब तो बेहतर है कि तुम चूजे का काम करो। चूजे का काम सर, चूजे मुख्तलिफ ब्रीड्स पाकिस्तान के चल रही हैं, तुम की रिकमेंड करोगे कि गोल्डन मिश्री पालो, आस्ट्रालॉप पालो या कि ब्रीड से मशवरा दो? मैं तो सर सब तो पहले मशवरा यही दाँगा कि आस्ट्रालॉप का सब तो बेहतरीन है कि एक तो गाहक बहुत ज़्यादा है, सही है, लोग खुश होकर लेंगे, दूसरा खूबसूरती बड़ी है। गोल्डन मिश्री से काम तो ठीक सी लेकिन है पहले से, हूँ जो काम है आस्ट्रालॉप दे एक तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दूसरा जो मार्जिन बहुत अच्छी है, यानी कि प्रॉफिट। हाँ जी अच्छा, जरा अच्छा चूजा वन डे का वह तकरीबन किन्ने का मिल जाता जी? वह तकरीबन 140 रुपये का मिलेगा, लेकिन वो गरंटी होएगी, लोगों को 20 रुपये का मिलता जे, 15 रुपये का मिलता जे, 100 रुपये भी मिल जाता, लेकिन उसकी गरंटी कोई नहीं, जो 140 रुपये का मिलेगा वो गरंटी होएगी हर लिहाज ना। ठीक है अच्छा, वन डे का चूजा भी दे रहे हो या कि वन डे तू दसते भी हो कि 15 दिन का करके देंगे हो ताकि जो खतरा है चूजे तू टल जाए तो अगले बंदे ज़्यादा? आसम साहब जोड़े बंदे ने कम जिन्होंने पता है वो तो वन डे का चूजा पा सकते हैं, लेकिन जोड़ा नवे बंद ने कम शुरू करना वो वन डे का चूजा ना पाए तो बेहतर है, क्योंकि उस मेहनत ज़्यादा है। अगर वो तैयार चूजा असर लिंदा तो मेहनत थोड़ी है, उन्होंने लॉस नहीं होएगा नवे बंदे खासकर, अगर कोई बंदा काम जानता रिस्क लिंदा तो उन्होंने पहले दिन का पढ़ना चाहिए वन डे का, ऐसा मामला नहीं है, लेकिन वो तो मेहनत ज़्यादा है। अगर महीने का हो जाता या 15 दिन का मेहनत थोड़ी है तो उन्होंने लॉस नहीं होएगा, वो थोड़ा भी काम जानता होएगा पार्ट टाइम भी काम करना चाहेगा तो वास्ते बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा शमस भाई ये दसो कि माशाल्लाह यंग उम्र के पोल्ट्री फार्मिंग का काम शुरू कर लिया, ये सिर्फ शौक ही कि ये इंटरस्ट भी है? हाँ एक तो पहले तो आसम साहब शौक भी सी, तो शौक के नाल नाल जो मैंने बचत हुई तो फिर इंटरस्ट हो गया कि एक भी कम है कारोबार है, पहले स्टार्ट तो मैं शौक समझ के किया, लेकिन जो मैंने बचत हुई तो मैं सोचा कि कारोबार है, मैं पार्ट टू कम शुरू कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा तुम जे साडे नौजवान एक गिला करके बैठे ने या सोच के बैठे ने कि यार पैसे है नहीं कारोबार चेंज करिए, तुम कि स्टार्ट लिया फैक्ट्री च जॉब भी करते हो तो किन्ने तू स्टार्ट लिया? ये जनाब काम ऐसा कि अगर जेडे मुंडे वेले ने लड़के काम कोई नहीं करते सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं, वो सिर्फ अपना मोबाइल ही सेल करके चूजा पा लेन तो वो महीने दो महीने बाद डबल ट्रिपल मोबाइल ला सकते हैं, अभी ये काम है वेले रह के मोबाइल यूज करने वालों तुम चूजा पा लो तो बेहतर है। ठीक है शर्मा भाई, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज़।